हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कसूरी मेथी घर पर कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेथी। तो मेथी को मैंने जड़ अलग कर लिया है और पत्ते को तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार पानी से, और उसके बाद मैंने इसे जाली में रख दिया था 5 मिनट के लिए, जिससे इसे पोंछ लिया है हल्का हल्का। और उसके बाद हम इसकी पत्ती अलग कर लेंगे, और पत्ती अलग करने के बाद बारीक बारीक काट लेंगे। तो ये हमारी मेथी है जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है मेथी को। तो मेथी को मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर में फैला लिया है अच्छे से, और इसी प्रकार से आप भी अच्छे से न्यूज़पेपर में फैला लें। और याद ध्यान रखें कि इसका जो मेथी को जो आप फैलाएं तो इसकी जो परत है वो पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटा ना हो, और पत्तियाँ जो हैं वो दूर दूर हों ताकि इसे अच्छे से हवा लगे और ये अच्छे से सूख जाए। तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे सुखाकर, न्यूज़पेपर के ऊपर फैलाकर हम इसे रख देंगे। तो इसको सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे, और 2 से 3 दिन के बाद जो हमारी कस्तूरी मेथी है वो अच्छे से सूख कर तैयार हो जाएगी। और इसे आप धूप में ना सुखाएं, अगर आप धूप में सुखाएंगे तो इसका जो रंग है, ग्रीन कलर जो है वो उड़ जाएगा, और जो इसकी खुशबू है वो भी उड़ जाएगी। तो हम इसे धूप में ना सुखाकर छाया में, आप घर के अंदर कहीं पर भी छाया में पेपर बिछा लें, और पेपर बिछाने के बाद इसे इस प्रकार से फैला दें उसमें, और फैलाने के बाद 2 से 3 दिन तक आप ऐसे ही रहने दें, और बीच बीच में पलट पलटते रहें इसे। और उसके बाद 2 से 3 दिन में हमारी कस्तूरी मेथी वो सूख कर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं और कितनी अच्छी ग्रीन दिख रही है ये मेथी भाजी, और इसका कलर अच्छा ग्रीन आया है। और अगर आप धूप में सुखाएंगे इसे तो इसका जो कलर है ऐसा ग्रीन नहीं दिखेगा। तो मैंने इसे छाया में सुखाया है, और 3 दिन के बाद जो है ये अच्छी तरह से सूख गया है और इसमें एक भी नमी नहीं है। तो इसे हम एक कंटेनर में भर कर रख लेंगे, और आप साल भर तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं और सब्जी में डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी में, या मेथी आलू बनाने के लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए कसूरी मेथी घर पर, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर।